शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने से रोज मौत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले कुछ डॉक्टर और वार्ड बॉय इंसानियत को शर्मसार करते हुए इस इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए। गुरुवार को कामठी और नागपुर में 3 स्थानों पर जोन क्रमांक 5 पुलिस टीम ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान निजी अस्पताल के 3 वार्ड बॉय और एक डॉक्टर को पकड़ा गया है। उनसे 15 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए। इस कालाबाजारी से अस्पताल और स्थानीय प्रशासन की भी कलई खुल गई है। देर रात तक कार्रवाई जारी थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देर रात तक कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी BAMS डॉक्टर लोकेश चाहू, वार्ड बॉय शुभम मोहदुरे, कुणाल कोहरे और सुमित बांगड़े है। लोकेश कामटी के आशा अस्पताल के अलावा छत्रपति चौक स्थित निजी व अन्य अस्पतालों में अपनी सेवाएं देता है। कुणाल और शुभम वर्ता रोड स्थित स्वस्थतम अस्पताल में वार्ड बॉय है। सुमित भी वाना डोगरी स्थित दत्ता मेघे अस्पताल में वार्ड बॉय है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि लोकेश रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त है, जिससे परिमंडल क्रमांक 5 के उपायुक्त नीलोत्पल को इसकी जांच पड़ताल करने के लिए कहा गया था। उसके बाद उन्होंने अपनी टीम को काम पर लगा दिया। रेमडेसिविर जे ब्लैक मार्केटिंग होत असल्याची काही माहिती प्राप्त झाली होती आणि माननीय पालकमंत्री जे आढावा बैठकीत पण हा मुद्दा समोर आला होता आणि त्यांनी पालकमंत्री महोदयांनी पण या विषयावर लक्ष ठेवण्याबद्दल सूचना दिली होती। या अनुषंगाने गोपनीय माहितीचे आधारे रेमडेसिविरचे रेट करण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये एक डॉक्टर कामटीचे आणि काही ब्रदर्स आहे वेगवेगळे हॉस्पिटल्सचे, त्यांना अटक करून 15 रेमडेसिविर जप्त करण्यात आलेली आहे। कायदेशीर कारवाई सुरू आहे। इतर पण अशा प्रकारची गुप्त माहिती मिळत आहे। सगळ्यांना सक्त ताकीद आहे की कोणी अशा प्रकारचे भांडणेत आणि गैरकायदेशीर प्रकरणात पडू नये, अन्यथा कडक कायदेशीर कारवाई त्यांच्या विरुद्ध होऊ शकते। सर, ब्लॅक मार्केट होत होतं, त्याची किंमत काय आहे? ते रेमडेसिविरचे जे अधिकृत किंमत आहे त्यापेक्षा भरपूर जास्ती किमतीने ते विकत होते। जे आम्ही आमची पंटर कारवाई झाली त्यामध्ये 25,000 रुपयाची एक रेमडेसिविर ते विकत होते। सर, हिंदी में बता दीजिए। परसों रात से जो ये निर्बंध राज्य में लगाए गए हैं उसके बाद हम कल काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन्स हमने किए थे, काफ़ी अनाउंसमेंट्स किए थे, काफ़ी लोगों की मीटिंग लेके लोगों को समझाने की प्रयत्न की गई थी। आज हमने एक्शन शुरू किया है और जितने भी प्रमुख चौक और रस्ते हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रमाण में पुलिस अधिकारी कर्मचारी लगाकर किसी भी जो बिना कारण रस्ते पे निकल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ओवरऑल आज परिस्थिति काफ़ी अच्छी दिख रही है शहर में। फिर भी मैं शहर की जनता से आह्वान करना चाहूँगा कि खुद की सुरक्षा के लिए और शहर की सुरक्षा के लिए बिना कारण बाहर नहीं निकलें। अगर अत्यावश्यक हो तो ज़रूर निकलें, अदरवाइज अन्यथा उनके विरुद्ध कड़क कायदेशीर कार्रवाई हो सकती है। रेमडेसिविर के ब्लैक मार्केटिंग के बारे में तकरार प्राप्त हुई थी, गोपनीय माहिती मिल रही थी। माननीय पालक मंत्री महोदय ने भी इस बारे में आढ़ावा बैठक में इस प्रकार की अगर गैर हालचाली चल रही है तो उसके ऊपर निर्बंध लगाने के लिए आदेश दिए थे। उसके तहत गोपनीय माहिती के आधार पर रेड की गई थी। एक डॉक्टर और 3 ब्रदर्स को अरेस्ट किए गए हैं। 15 रेमडेसिविर वायल्स जब्त किए गए हैं। प्रकरण की गंभीरता से सख्ती से पूछताछ करने पर लोकेश ने बताया कि वर्धा रोड स्थित स्वस्थतम अस्पताल के वार्ड बॉय कुणाल और शुभम भी उसके साथ मिले हुए हैं। उसके बाद उनके ठिकानों पर भी पुलिस ने छापा मारा। इन दोनों से हुई पूछताछ में सुमित का भी नाम सामने आया है। वह वाना डोगरी स्थित दत्ता मेघे अस्पताल में वार्ड बॉय है। सिलसिलेवार हुई इस कार्रवाई के दौरान चारों आरोपियों से कुल 15 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।